जिला प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन के तहत की गई कार्यवाही के विरोध में व्यापारी संगठन आवाज उठा रहे हैं। शहर में नंगली सर्किल में संयुक्त व्यापारी महासंघ और जिला व्यापार महासंघ द्वारा एक बैठक बुलाई गई। बैठक में पदाधिकारियों का कहना था कि कोरोना काल में व्यापारियों ने हमेशा प्रशासन का साथ दिया है, ऐसे में प्रशासन द्वारा दुकानों को सीज करने की कार्यवाही उचित नहीं। बैठक में रमेश जुनेजा, राजकुमार गोयल सहित अन्य व्यापारी आदि मौजूद रहे। आज संयुक्त रूप से एक सभी हमारे तीन व्यापारिक संस्थान जिला व्यापार महासंघ, संयुक्त व्यापारी महासंघ और कैट के पदाधिकारियों ने पूरे शहर के 62 जो हमारी ट्रेड यूनियंस हैं उनके अध्यक्ष मंत्रियों की एक बैठक इंद्रलोक होटल में रखी थी। विषय इस बात का है कि जिस तरह की आपाधापी नगर परिषद की एक टीम द्वारा मन्नी के बड़ पे की गई उसकी पूर्णतः निंदा की जानी चाहिए। आज अलवर जिला व्यापार महासंघ, संयुक्त व्यापार महासंघ और कैट व्यापार महासंघ ने पूरे शहर की मीटिंग बुलाई जिसमें सभी संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्रियों ने भाग लिया। यह मीटिंग जो बुलाई गई विशेष रूप से परसों जिला प्रशासन द्वारा जो कुछ दुकानें सील की गई थी उनको लेकर बुलाई गई थी। उन दुकानों को सील को लेकर के हम कल कलेक्टर साहब से मिले थे। कलेक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था कि जो दुकानें सील की गई हैं ये बिल्कुल गलत तरीके से की गई हैं, क्योंकि दुकान पर 5 आदमी होना, 8 आदमी होना, 10 आदमी होना ग्राहक कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। व्यापारी अपना मास्क लगा के व्यापार कर रहा था और कस्टमर भी वहाँ पर मास्क लगा के खड़े थे। सिर्फ थोड़ी सी भीड़ देख के 5-7 आदमियों की उन्होंने दुकानों को सील किया, जो बिल्कुल गलत किया। हम इसकी बहुत बहुत निंदा करते हैं और पूरा व्यापार महासंघ इसका विरोध करता है।